आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके पहले हम लोग बात किए थे वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस और उसका एक इक्वेशन हम लोग निकाले थे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जैसे कि पहले हम लोग बात किए थे, कैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बदल सकता लेकिन बाहर से ना हीट आएगा ना जाएगा, और इसमें जो एंट्रोपी है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो वन मोल ऑफ गैस हम लोग पहले कंसिडर करते हैं। पहले जो हमारा जो ये एक सिस्टम है, सिलेंडर है, इसके अंदर हमारा वन मोल ऑफ गैस हम लोग रखे हैं और कोई एक इंस्टेंट में प्रेशर है पी, वॉल्यूम में भी टेम्परेचर है टी। इनिशियल जो मान लीजिए जब जिस इंस्टेंट में हम लोग देख रहे हैं उस समय गैस का वॉल्यूम है भी, और इस पिस्टन पर जो गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा वो है पी, और ये प्रेशर जो एक्सटर्नल जो प्रेशर है, ये इंटरनल जो प्रेशर है गैस के द्वारा जो ऊपर तरफ लग रहा है ये प्रेशर ज़्यादा है। इसी के कारण क्या होगा ना, गैस थोड़ा एक्सपांड करेगा और थोड़ा ये पिस्टन डिस्प्लेस करेगा, कितना ना डीएक्स इसका होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस पिस्टन के ऊपर जो गैस जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा, फोर्स इक्वल टू आप लोग जानते हैं प्रेशर, और ये एरिया जो है ये ए है। तो इसके लिए वर्क डन बाय द गैस, गैस जो काम कर रहा छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क, तो वर्क बराबर होता है डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स, पहले भी हम लोग देखे थे। तो एफ के जगह में लिखेंगे पी ए डी एक्स, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट या एरिया इंटू लेंथ बराबर होता है वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम डी वी है, स्मॉल जो वॉल्यूम इंक्रीज इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन मान लीजिए इनिशियल गैस का वॉल्यूम था वी वन, कोई एक वॉल्यूम था इनिशियल वो था वी वन, और जो फाइनल जो वॉल्यूम हो जाएगा वो मान लीजिए होगा वी टू। तो तब टोटल वर्क डन इस इक्वेशन को हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने के बाद डी डब्ल्यू का डब्ल्यू होगा पी डी वी, पी के जगह में आप लोगों को याद होगा जो आइसोथर्मल जब प्रोसेस में हम वर्क डन निकाल रहे थे तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग ले रहे थे, लेकिन एडियाबेटिक गैस इक्वेशन पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और गामा है हमारा रेशियो ऑफ दो स्पेसिफिक हीट, गामा बराबर सी पी बाई सी वी, ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर पी के जगह में पी इक्वल टू क्या होगा, के बाई वी टू द पावर गामा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं के भी के ऊपर में माइनस गामा। तो डब्ल्यू बराबर डी डब्ल्यू के जगह में डब्ल्यू, पी के जगह में के भी टू द पावर माइनस गामा, डी भी का हम लोग लिखेंगे डी भी। तो के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ भी टू द पावर माइनस गामा डी भी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो जो है एन के जगह में क्या है माइनस गामा है, तो प्लस वन माइनस गामा प्लस वन, और लिमिट है वी वन टू वी टू। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस गामा प्लस वन, तो वन माइनस गामा, ये वाला चीज हाँ, तो ये चीज डब्ल्यू बराबर क्या है माइनस गामा प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं के का के, माइनस गामा प्लस वन को लिख सकते हैं वन माइनस गामा, और भी के जगह में एक बार पुट कीजिए वी टू, माइनस गामा प्लस वन को क्या वन माइनस गामा लिख सकते हैं, और भी के जगह में एक बार पुट कीजिए क्या माइनस के बाद वी वन, माइनस गामा प्लस वन को लिख सकते हो वन माइनस गामा। तो अब ये जो के हमारा बाहर था इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो डब्ल्यू बराबर ये एक इक्वेशन हो रहा है के वी टू वन माइनस गामा और के वी वन टू द पावर वन माइनस गामा, और नीचे में भी वन माइनस गामा, ये इक्वेशन हमारा बन रहा है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, के जगह में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा गैस इक्वेशन एडियाबेटिक गैस इक्वेशन वो क्या है पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू हमारा कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं जैसे पी वी इक्वल टू कांस्टेंट को लिखा जा सकता है पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, उसी तरह से पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को लिखा जा सकता है पी वन वी वन टू द पावर गामा इक्वल टू पी टू वी टू द पावर गामा और कांस्टेंट का के। तो अब याद कीजिए के जगह में हम लोग लिख सकते हैं ये वाला टर्म भी लिख सकते हैं, के जगह में ये वाला टर्म भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा लास्ट इक्वेशन था के जगह में हम लोग लिख सकते हैं क्या,
यहाँ पर V2 है ही, V2 to the power 1 minus gamma, तो हम लोग लिख ही दिए वाला V2 to the power 1 minus gamma, उसके पहले K था, तो K के जगह में इधर ये वाला या तो ये वाला लिख सकता, तो K के जगह में ये वाला लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर V2 है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी K था, फिर V1 to the power 1 minus gamma था, तो V1 to the power 1 minus gamma तो लिख देंगे, फिर K के जगह में ये वाला जो वैल्यू है वो हम लोग लिख देंगे। अब देखिए P2 का P2, V2 to the power gamma, V2 to the power 1 minus gamma, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो V2 को कॉमन लेंगे तो गामा प्लस वन माइनस गामा, तो प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, V2 to the power 1 माना होगा V2। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा P1 V1, तो W बराबर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/1 minus gamma P2 V2 minus P1 V1। अगर 1 माइनस गामा के जगह में गामा माइनस 1 लिखना चाहेंगे तो ये टर्म पहला आ जाएगा, ये टर्म बाद में आ जाएगा, तो ये एक इक्वेशन हमारा बन गया, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इतना हमारा होगा। थोड़ा सा और आगे अगर टेम्परेचर के टर्म में अगर लिखना हम लोग चाहेंगे तो मान लीजिए जो गैस जो एक्सपांड किया उसके चलते टेम्परेचर थोड़ा फॉल कर गया T2 से T1 तक ड्यूरिंग एक्सपांशन, तो जो गैस इक्वेशन था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो PV इक्वल टू R, तो कांस्टेंट होता है TV कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, लेकिन ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसीलिए ये तो टी तो कांस्टेंट नहीं है, कुछ एक तो है, तो P1 V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, RT के जगह में T1 और P2 V2 RT2, तो W बराबर क्या लिखेंगे γ-1, P1 V1 के जगह में हम लोग लिखेंगे RT1 और P2 V2 के जगह में लिखेंगे RT2, R को कॉमन ले लीजिए, तो W बराबर R γ-1 T1 - T2, तो ये है वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने से इजीली हो जाए, तो जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।